वेलकम बैक टू लिंडो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक कॉलेज किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया है और जितने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेज है जिसमें MBBS पढ़ाई होता है वो सारे कॉलेज के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश करूँगा कि जल्दी कम्प्लीट करने के लिए ताकि डेली वन वीडियो लेकर आने के लिए ताकि आप सारे कॉलेज के बारे में कुछ मोटा मोटी जानकारियाँ ले सके, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उस तरह की उसमें आप जाना चाह रहे हैं तो आपको क्राइटेरिया क्या चाहेगा और एग्ज़ाम देना ज़रूरी है कि नहीं और उसका फ़ी कितना है, हॉस्टल चार्ज कितना है, वहाँ पर पढ़ते हैं तो आपका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। कभी कभी वीडियो लंबा होने के चलते बहुत सारा चीज़ डिस्कस नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बोल भी नहीं सकते, कोई ऐसा भी होता है, कोई कोई प्राइवेसी की वजह से भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो उस तरह की लगे कोई बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करना बाकी है और एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा या ईमेल एड्रेस मिलेगा, उस पर आप ईमेल या व्हाट्सअप कर जरूर हमसे अपना क्वेरी रख सकते हैं हमारे गाड़ी और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बीबी कोरला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल माना जाता है और इंडियन का भी वहाँ पर जाना डिस्टिनेशन। सबको किसी से पूछो यार तुम किस कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो, किस कॉलेज के लिए तुम यहाँ पर नेपाल में आ रहे हो, तो बीबी कोरला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस आता है। मीन्स जो बीबी कोराला का ब्रांड वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा है, तो वही हम लोग यहाँ पर बीबी कोराला के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों बीबी कोराला को अगर शॉर्ट फॉर्म में BPKIHS बोलता है, HS, इसका फुल फॉर्म है बीबी कोराला बीपी लेकिन बी इस तरह से और पी और कोराला, यहाँ पर कोराला आ जाएगा, कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। तो अगर हम यहाँ बीपी को भी निकालें तो विश्वेश्वर प्रसाद कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, वन ऑफ द कांग्रेस लीडर के नाम पर ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है और उन्हीं के नाम पर अभी तक भी इनका नाम है एंड ही वाज रियली गुड लीडर्स और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नेपाल के लिए, तो मैं भी प्राउड हूँ कि उनके नाम पर है ये हॉस्पिटल। तो हम लोग बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं मोटा मोटी आपको बातें बताने वाला हूँ, इसका लोकेशन और प्लस इसमें आप कैसे जा सकते हैं, क्या इसका फी हो सकता है और एक्स्ट्रा चीज़ें। तो देखिए बीपी कोराला इंस्टीट्यूट में पहले क्या होता था वो सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोई काम नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी आपको जानकारी दे रहा हूँ। बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पहले इंडियन को स्कॉलरशिप देता था जिसमें आपको फुली सब्सिडाइज होता था, 7 पार्शियल सब्सिडाइज होता था और रिमाइनिंग जो सीट होता था उसमें कितना 19 जितना सीट होता था उसमें फॉरेन के लिए सिर्फ इंडियन के लिए रिजर्व होता था। लेकिन अब ये सारे चीज़ें खत्म हो गई है और इसे आपको मानना नहीं है, अब यहाँ पर चेंज है रूल और इसमें देखिए पहले सिर्फ इंडियन के लिए 30 सीट होता था और नेपलीज के लिए पेइंग सीट ही नहीं होता था, नेपलीज के लिए कोई पेइंग सीट नहीं होता था, लेकिन अब सारी चीज़ चेंज हो गया है और हम जिस तरह से अपडेटेड फॉर्म में हम देखेंगे, अपडेटेड वर्जन में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलता है बीपी कोराला इंस्टीट्यूट में, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो या आप नेपलीज भी हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। तो देखिए बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो है इंडियन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। वहीं पर ये नेपलीज में क्या होता है ना वैरी करता है, नेपलीज का प्रायोरिटी ऑर्डर ये वैरी करता है, कोई नेपलीज के लिए ये फर्स्ट ही ऑर्डर हो सकता है और किसी के लिए सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, मीन्स ये नेपलीज स्टूडेंट्स का हम बात करें तो। लेकिन इसका जो बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है इसका पोजिशन आप फर्स्ट एंड सेकेंड से दूसरे पर नहीं रख सकते, ये डिजर्व करता है। अब नेपलीज स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड कर देते हैं लेकिन फॉरेन के लिए जो इंडियन है उनके लिए फर्स्ट ही रहता है। तो यहाँ पर ये पोजीशन की बात हो गई। इसके लोकेशन के बारे में बात करें थोड़ा, तो बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो है कलिंगुला पी ये 1993 AD के करीब में ये इसे एस्टैब्लिश किया गया है और इसे एटोनोमस बाद में बना दिया गया। एटोनोमस इंस्टीट्यूट कहने का मतलब ये है कि ये अपना हर कुछ एटोनोमस है, एटोनोमस जिस तरह से आप गोल की बॉडी को एटोनोमस बोलते हैं, तो यहाँ पर एटोनोमस कहने का मतलब कि ये अपना हर काम मीन्स एग्जाम कंडक्ट कराना, एडमिशन उस तरह से
पूरा काम खुद ही करता है। सिलेबस भी इसका अलग ही है, इसका किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में यह नहीं आता है, हर मैनेजमेंट इसका अलग है। और इसमें आपको हर चीज मीन्स देखने को मिलेगा, हर डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में। ये भी एक फायदा है, जैसे कि इसमें आप बैचलर में आपको एमबीबीएस आ गए, एमबीबीएस आ गए, उसी तरह से एमबीबीएस आ गए, उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में आप जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपको एमडी, एमएस, एमसीएच, इस तरह की जो भी है वो सारा चीज देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एनटीए, सारे डिपार्टमेंट, बीडीएस वगैरह, बीएससी नर्सिंग, इस तरह का भी फील्ड यहाँ पर पढ़ाई होता है। तो ये स्कोप से भी एबीपी कोरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एक काफी अच्छा हो गई। और रहा कि इसका बिल्डिंग वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बोला जाए, वो भी काफी अच्छा है। और टीचर टीम की भी बात किया जाए तो टीचर टीम यहाँ पर आपको बोथ नेफ्लिज प्लस इंडियन का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नेफ्लिज टीचर भी और इंडियन प्रोफेसर सब भी यहाँ पर है, जो नेफ्लिज प्रोफेसर है और इंडियन। और वहाँ पर टीचर की रहने की व्यवस्था भी देखा जाए तो सब टीचर को अलग अलग अपार्टमेंट दिया गया है, और कोई उस तरह से अपार्टमेंट दिया गया है, उसमें अपार्टमेंट है टीचर सब के लिए। वहाँ पर स्टूडेंट्स का भी हॉस्टल की व्यवस्था है, आप उसमें लेडीज है, गर्ल्स है या बॉयज है, उसके डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल रहेगा आपके लिए। और बीएससी नर्सिंग या दूसरे फैकल्टी से पढ़ते हैं तो उसके लिए भी, अगर आप फॉरन भी है तो हॉस्टल की व्यवस्था है, एनएफएलएस के लिए भी है। उसी तरह से यहाँ पर इंडियन ट्रस्टी सब भी है। और इसका सबसे इंडियन के लिए एक ज़्यादा मीन्स बेनिफिट वाला बात क्या है कि आप इंडियन है तो यहाँ पर देखिए, जब से एस्टाब्लिश हुआ है उसी टाइम से इसमें इंडियन का फ्लो बहुत ज्यादा है, इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको मीन्स इस साल का भी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट वाला भी, लेकिन पहले का। यहाँ पर पहले 30 सीटें होता था, तो मीन्स एवरी ईयर 30 सीट स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इसमें होता था। जो भी स्टूडेंट्स को ये मिलता था वो छोड़ने की चांस नहीं, बिल्कुल चांस नहीं होता था, ऑलमोस्ट 30 सीट पैक ही होता था। तो यहाँ पर जैसे कि एक इन्वायरमेंट भी होना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इंडियन इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये धरान में, बीपी कोराला है वो धरान में लोकेटेड है, धरान में लोकेटेड होने से क्या हो गया कि इसका देखिए, वहाँ तराई रीजन के साइड में, ईस्टर्न पार्ट है वो तराई रीजन साइड में, तो वहां पर आपको इंडियन खाने वगैरह भी, जो भी फूड वैरायटी है वो सारे मिलेगा। तो ये हो गया। और इंडिया से एक्सेसिबिलिटी का बात किया जाए, इसका एक्सेसिबिलिटी का, तो जगबनी बॉर्डर है जो कि नियरेस्ट बॉर्डर है यहाँ पर आने के लिए। उसी तरह से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जो है, जगबनी बिहार का हो गया, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का हो गया, नियरेस्ट बॉर्डर है वो आपका। अब आते हैं कि इसमें आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, आप एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और पढ़ाई के बारे में, जो कॉलेज के बारे में मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। अगर आपको फुल इंट्रोडक्शन चाहिए या इसके बारे में कॉलेज में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं तो 9779814186464 व्हाट्सअप कर या कॉल कर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप मैंने तो यहाँ पर लोकेशन वगैरह का मोटा मोटी बात करने की कोशिश की है और कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं कि अगर आप इंडियन हैं और मानिए सपोज आई एम द स्टूडेंट और मैं इस बीपी कोराला में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं नेपलीज स्टूडेंट हूँ तो नेपलीज का पहले बता दूँ, तो नेपलीज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक रूल है कि आपको यहाँ पर नेपलीज स्टूडेंट्स के लिए, नेपलीज स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में, नेपलीज स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो एमएससी को एग्जाम पास करे, मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम पास करे, जो इस एग्जाम का नाम है कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन, ये इंट्रांस एग्जाम पास करे, और जिस तरह से वो रैंक ले आता है, जितना भी रैंक उसका आता है उस बेसिस पर उसे मैचिंग में जाएगा। और इसमें अगर उसका अच्छा रैंक आता है मीन्स ऑलमोस्ट 1000 के, मानिए कि एक मैक्सिमम लेवल ले रहे हैं, 800 के बीच में उसका रैंक आता है या 800 to 1000 के बीच में उसका रैंक आता है तो उसको ये पेइंग में भी बीपी कोराला इंस्टीट्यूट मिल सकता है, नेपलीज को, नेपलीज स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं। और उसका स्कॉलरशिप लेना है तो वो उसके लिए वो बीपी कोराला इंस्टीट्यूट उसका कनेक्ट, मतलब उससे स्कॉलर में 400 to 900 के करीब में, आर्मी से अंडर 500 के रैंक में उसे आता है तो मिलने के चांसेस रहेगा यहाँ पर बीपी कोराला इंस्टीट्यूट। अब फॉरेन के लिए बात करते हैं, नेपलीज के लिए यहाँ पर एक और बात हम बताना चाहेंगे,
कि जो भी नेपाली जो स्टूडेंट है वो फॉरेन में भी MBBS करने जाने चाह रहे हैं तो उसको लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो CE है वो पास होना है, कंपलसरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं और चल जाते हैं दूसरे कंट्री में पढ़कर आते हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, आप अपने कंट्री में लाइसेंस नहीं ले सकते। NMC का जो NMC का एग्जाम है वो आप दे नहीं सकते, जब देंगे नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो अब फाइनली आता है कि मानिए आई एम इंडियन स्टूडेंट्स, मैं इंडियन या फॉरेन स्टूडेंट हूँ, मैं फॉरेन, और मुझे बीपी कोरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट बात, ये स्टूडेंट्स के माइंड में क्या कंफ्यूजन है कि सर इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, फुली पार्शियली सब्सिडाइज सीट है इंडियन बच्चे के लिए। तो देखिए पहले हुआ करता था, पहले जो था 2019 के बैच तक बीपीकेएच ने खुद का एग्जाम कंडक्टेड कराया था, इटसेल्फ कंडक्टेड कराया था। लेकिन 2020 का बैच है, अच्छा तरह से समझिएगा नहीं तो फिर आप घूमते रह जाएंगे। 2020 के बैच से है जो ये बीपी कोइराला के लिए नहीं, होल नेपाल के जितने भी मेडिकल कॉलेज, 20 मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ाई हो रहा है, ये सारे 20 मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट नेपीज हो या फॉरेन हो एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसे सीई के एग्जाम के थ्रू या जाना है, या कहने मतलब कि फॉरेन है तो उसे अपने कंट्री का एग्जाम पास है तो उसके थ्रू भी जा सकता है अगर सेकेंड प्रायोरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर सीई कौन कंडक्ट करा रहा है, MSC करा रहा है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन करा रहा है। तो जब MSC करा रहा है तो काउंसलिंग भी यही करा रहा है। और MSC क्या रूल लागू कर दिया कि यहाँ पर आप बीपी कोराला में भी पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ 8 सीट है फॉरेन कैटेगरी में, इसमें भी इंडियन इंक्लूडेड है और इसमें कुछ इंडियन के लिए कुछ रिजर्वेशन टाइप का नहीं है, इसमें फॉरेन करने मतलब कि दूसरे कंट्री का भी फॉरेन हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है। तो अब आते हैं उस सीट में, तो इसीलिए आप मेडिकल एजुकेशन जो भी 2020 से करा रहा है तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि यहाँ पर पार्शियल और फुली सब्सिडाइज सीट है कि नहीं, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर पर फॉरेन कैटेगरी में MD राफी उमर आए थे, MD राफी उमर, दो नंबर में इमरान आए थे, तीन नंबर में सचिन कुमार आए थे, चार नंबर में भरत दूडी आए थे, इसी तरह 5, 6, 7, 8, 10 स्टूडेंट ने नियर टू 300 टू 400 बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसमें से 96 बच्चे सिर्फ पास हो पाए। तो 96 में से 96 का मेरे पास नाम है, सब कुछ है, कीप इन टच में थे हम फॉरेन कैटेगरी वाले को, तो उसमें जो भी को यहाँ पर तो सिर्फ 8 सीट है, तो मान 8-10 तक ले लिया हमने, 10 नंबर तक के बच्चा हमारे कीप इन टच में थे। और ये दोनों बच्चे बहुत पढ़ने में तेज है, यहाँ पर जो भी 10 टॉप में आए बहुत पढ़ने में तेज है, और उनको स्कॉलरशिप मिलता तो वो लोग छोड़कर आज फिर से नीट का प्रिपरेशन करते, पहले ये दिमाग लगाना जरूरी है। तो नहीं है यहाँ पर स्कॉलरशिप। और मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में जाकर स्कॉलरशिप है कि नहीं, तो उसमें फॉरेन में सिर्फ 8 देखने को मिलेगा। तो टोटल सीट आ गई यहाँ पर 8 सीट आ गई। अब 8 सीट में आप पढ़ने जाते हैं इसमें तो किस तरह से जा सकते हैं आप, तो इसमें जाने के लिए आपको बीपी कोराला में आपको देखिए यहाँ पर आपको अगर फॉरेन सपोज आई एम फॉरेन तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो हमको जो फॉर्म खुलता है यहाँ का फॉर्म खुलता है वो फॉर्म फिलअप करना ही है मेडिकल एजुकेशन का। उसके बाद ये जब हम फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो ये फॉर्म में हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, एक डायरेक्ट नीट के बेसिस पर और एक डायरेक्ट कहने का मतलब कि एग्जाम हम यहाँ का देकर एडमिशन लें, एग्जाम देकर एडमिशन लें। तो अगर हम नीट के बेसिस पर मानिए बीपी कोराला को टारगेट करते हैं तो कैसे मिल सकता है और एग्जाम के थ्रू कैसे, देखिए तो एग्जाम अगर आप देते हैं यहाँ का सी जो देते हैं सी मानिए इसे सी देते हैं अगर आप यहाँ का तो ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगा। मीन्स आई एम द कैंडिडेट एंड यू आर द कैंडिडेट, सपोज आई गेव द एग्जाम देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द काउंसलिंग एंड इफ आई लेफ्ट द मीन्स BPKH और आई इफ आई डोंट चूज द BPKH एंड द सीट विल रिमेन वैकेंट देन you will be asked if you are the on the basis of need then you will be asked whether you will take the BPKH or not. So if you give
एग्जाम देन यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, यू आर गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड इफ यू डोंट गिव द एग्जाम देन यू आर द गिवन द सेकेंड प्रायोरिटी. मीन्स बट योर नीट स्कोर इज, बट योर नीट स्कोर इज बिलो, मीन्स बिलो 400, देन यू आर नेवर गोइंग टू गेट द बीपीटीए चांसेस, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. ऑलमोस्ट 400 to 500 total students used to give the exams because or underneath, if you compare both on the basis of exam and on the basis of NEET, then altogether here 1000 students are approximately trying to get BPKHS. So if your NEET score is below 400, that it's means it tends to जीरो मीन्स आपका जो चांस है नेग्लिजिबल है, इट्स हेयर इज नेग्लिजिबल चांस. तो आप ये समझिए नीट के बेसिस पर आपको नीट कब बीपी कोराला मिलने की कब चांस है. अगर आपका नीट में 500 अबव है, 500 प्लस है नंबर, तो आपको डायरेक्ट नीट पर नीट के बेसिस पर भी मिलने की चांसेस होता है. लेकिन उसे हम लोग सर्टेन नहीं मानेंगे, उसे गारंटी लेकर नहीं चलेंगे. तो इसीलिए अगर आप नीट में 500 स्कोर कर सकते हैं और आपका नीट में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप व्हाई डोंट यू गिव द एग्जाम ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन मींस सी ऑफ नेपाल. एंड इफ यू स्कोर आउट ऑफ 200, हियर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इफ यू स्कोर आउट ऑफ 200 ओनली 140, देन यू आर गोइंग टू गेट बीपीकेएचएस. मींस चांसेस इज हाई, मोर हाई, you are going to get BPKHS. So the best way, or if you can, if I conclude, the best way to take BPKHS is to give the exam, to give common exam C, to give C exam, and take admission. Best way, and the score, minimum score must be 140 for BPKHS. Okay, if for exams. Now next, HCT is there is no scholarship, there is on NEET basis, there is very less probability to get BPKHS, and if, through exams, there is a high probability. If you score only 140 marks, means 60 marks you have discounted. If you do wrong 60 questions also, you will get BPKHS. Okay, next, and what is the fee? Means here tuition fee as per the government, means Medical Education Commission Committee, is 75,000 USD, means US dollar, means 75,000 US dollar आपको लगेगा पैसा. Means one USD dollar is equal to approximately in NR, in NRS, 75 in NR, Indian currency, 75. So then if you multiply with this 75, then this it will approximately goes to 55 to 56 lakh. Means fee of BP Koirala Institute is approximately 56 lakh. Yes, and this fee include you, that is library, education fee, this fee is included for education fee, library fee, lab fee, and that is education fee, internship fee, and exam fee. Mainly five things are included in this fee, and remaining living means hostel and mess charge you have to pay. Hostel and mess charge you have to pay in extra charge, that is hostel and mess. And for this you have to take, if you are using the BP Koirala hospital, BPKHS hostel, then you have to pay almost 10 to RS RS 8,000, 8 to 10,000 NR in Indian currency, 1000, here is 1000. Okay,
दिस इज ऑल अबाउट BPKHS और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे BPKHS के बारे में। तो सो अगर आप BPKHS का में एडमिशन लेने के टारगेट रखते हैं तो आप BPKHS का मीन्स कॉमन CEE एग्जाम दें और एग्जाम दें। इस एग्जाम का जो नो नेगेटिव मार्किंग और 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का पास मार्क 100 होगा। और इसमें 200 क्वेश्चन में आपको चार भाग देखने को मिलेगा। पहला बायो 80, बायो, उसके बाद फिजिक्स 50, उसके बाद केमिस्ट्री 50, उसके बाद मैथ 20 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, रिमेम्बर पिछले साल क्या हो गया था कि यहाँ पर 300 to 400 बच्चे ने एग्जाम में अपेयर हुआ था, लेकिन 96 ही पास हुआ। वाई? बिकॉज ये नहीं कि एग्जाम हार्ड है, ये कि यहाँ का जो भी बच्चा बैठा था ना एग्जाम में, वो नीट में कितना स्कोर किया था मालूम है? नीट में ही स्कोर ओनली दिस मच, मिस जस्ट क्वालिफाइड द नीट एंड ही और सी थॉट आई विल गेट द BPKHS एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मीन्स मीन्स देर इज 50% क्वालिफाइंग एंड इस 50% क्वालिफाइंग इज नेक्स्ट प्रोसेस एंड हेयर यू हैव टू पास 50% पास and this is qualify and is qualify and pass is different here you, if you are trying to pass the community transcription examinations out of 200 you must have to score 100 marks so if you have got in NEET below 200 then never appear in community transcription examinations just take your admission on the basis of NEET because you are going to lose your year you neither get the BPKHS because you neither qualify the exam and if you not qualify the exam at once then you will not be allowed to get the admission on the basis of NEET and so many students koi koi bachcha kya karta hai ki wo bahut chalak banta hai aur do ta form bharega ek form exam dene ke liye CE exam dene ke liye और दूसरा फॉर्म क्या करेगा, दूसरा फॉर्म डायरेक्ट नीट के बेसिस पर भर देगा। देखो क्या डायरेक्ट नीट के बेसिस पर भर देगा फॉर्म, तो डायरेक्ट नीट के बेसिस पर क्या बोलेगा, सी में अगर फेल हो जाते हैं तो इसे हम चांस बनाएंगे। वैसा नहीं होता है, एक फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 5000 INR इंडियन करेंसी आपका लॉस, और यहां भी आप पास होंगे तभी जाकर होगा। अगर आप इसमें पास भी हो जाते हैं तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फेल भी होते हैं तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल, फिल वन एंड ओनली वन फॉर्म एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट वन। इफ यू आर ट्राइंग टू गिव द एग्जाम, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड स्कोर गुड मार्क्स एंड टेक द बेस्ट कॉलेजेस इन नेपाल। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ हेयर बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, देन गो थ्रू द नीट बेसिस and take your admissions on NEET basis. You will get most of the colleges which are best here in Nepal. Okay? Bye. दोस्तों मैंने इसमें सारे चीज क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ भी आपको लगता है कि अभी भी अनक्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो WhatsApp पर WhatsApp कॉल या मैसेज कर हम व्हाट्सएप नंबर बोलते हैं +9779814186466। कॉल और व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है व्हाट्सएप पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।